अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने करूंगी लेडीज़ कुर्ते की कटिंग। इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि मैं कुर्ते की कटिंग करके दिखाऊं। कुर्ते की कटिंग बहुत ही आसान है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप किसी भी साइज़ का कुर्ता या बच्चों का कुर्ता भी आराम से जो है आप कट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिया है कपड़ा लॉन का, जो कट पीस होते हैं उसमें से मैंने ये खरीदा। कपड़े की ये सीधी रुख है, कोई भी कपड़ा आप कट करने लगे तो उसको पहले ऐसे दरमियान से ऐसे करके कर लिया करें, ताकि अगर कोई कान हो, देखें ये थोड़ा सा तिरछा है, ये निकल गया इस तरफ। तो ऐसे आप सारे कपड़े को, जितनी भी लंबाई है, सारे कपड़े को ऐसे सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर लिया करें, ताकि कट करते हुए आपको कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है, कपड़े को इस तरीके से आपने रेडी करके रख लेना। इससे पहले कि मैं कपड़े पर कटिंग करना सिखाऊं, मैंने सोचा कि मैं एक कागज़ पे आपको ड्राफ्ट बना के दिखा देती हूं, क्योंकि जितनी भी नई सीखने वाली बच्चियां हैं उनको कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं वैसे बहुत डिटेल में बताती हूं, लेकिन फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आखिर कुर्ते में कितने पार्ट्स कट होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले मैं आपको कागज़ पर बता दूँ कि कितने पार्ट्स हमने कट करने हैं। सबसे पहले हम सेंटर वाला दो पार्ट कट करेंगे। ये देखें, अगला और पिछला हिस्सा हम सेंटर का कट करेंगे। ये हो गए दो पार्ट। ठीक है, दो पार्ट हमने ये निकालने हैं जो ऐसे सेंटर में लगेंगे। इसके बाद हमने इसकी बाजू निकाल लेनी है। उसके बाद हमने चार कलियां कट करनी है, दो कलियां इस तरफ की, ये आगे पीछे की दो कली, और दो कलियां इस तरफ की। ये जो होती हैं इनको बगलें कहते हैं या तकोने कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये दो कट होंगे इस तरह के, ये आप शेप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ये दो बगलें कट होंगी। इस तरह इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ये यहाँ पर इस तरह स्टिच होती है, ये यहाँ पर। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं लगाएं, ये आप बेशक स्किप कर दें। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि ये जो कली है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देंगे, ताकि कुर्ता तंग ना हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कट करना कपड़े के ऊपर। सबसे पहले अब हम कुर्ते की फ्रंट और बैक साइड जो होगी सेंटर की, उसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे कपड़े के ऊपर। तो लंबाई आपको जितना कुर्ते की लंबाई चाहिए आप उससे 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। लाइक मुझे 38 तैयार रखनी है लंबाई, तो मैं 40 इंच उसकी लंबाई निकालूंगी। अब चौड़ाई की बात आ गई कि चौड़ाई कितनी निकालनी है। जितना आपका तीरा होता है शोल्डर टू शोल्डर, आपकी जो तीरे की लंबाई है वो आपने इसकी कपड़े की चौड़ाई रखनी है। लाइक मेरा तीरा जो है 14 इंच है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 14 इंच कपड़े की चौड़ाई निकालूंगी। अब हम इसको कपड़े के ऊपर लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये कपड़ा ऑलरेडी डबल करके मैंने रखा हुआ है लंबाई के रूप में। तो सबसे पहले तो हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। 40 इंच लंबाई इसकी निकाल, डबल कपड़ा है, 40 इंच मैंने इसकी लंबाई निकाल ली है आगे पीछे के लिए, देखें ऐसे। तो अब मैं इसकी चौड़ाई निकाल लूँगी। चौदह इंच को मैंने डबल कर लिया। अब ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा है, इसको मैं निकाल दूंगी। अब ये लंबाई के रूप में मैंने एक्स्ट्रा निकालना है, तो इसको मैं फाड़ के निकालूंगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जहाँ पर आ रहा है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले, हमेशा कम ना पड़े, ताकि ऐसे एक कट लगा लें। कट लगा लिया। अब ये लंबाई के रुख में है तो मैं ये काम कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा दूसरे रुख में आप है, यानी कि इस रुख में, कभी भी चौड़ाई के रुख में हम इसको नहीं फाड़ सकते। ठीक है, याद रखिएगा। अब लंबाई के रुख में मैं आराम से इसको ऐसे निकाल लूँगी। 14 इंच चौड़ाई और 40 इंच लंबाई के दो पीस निकाल लिए हैं। ये देखें, ये दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब इसको हम आयरन कर लेंगे। आयरन करके ऐसे हम डबल करके रख, सेंटर से इसकी नॉच बना ली और यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे बाजू के लिए कपड़ा। बाजू की लंबाई मुझे 21 इंच तैयार चाहिए और चौड़ाई मुझे यहाँ से, मैं देख के मैं आपको बताती हूँ कि चौड़ाई आपने किस तरीके से। कोई भी अपनी शर्ट ले लें, उसको आपने ऐसे बैक कर लेना है। ठीक है, पीछे से आप उसका ऐसे कंधा नापें, जहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है फिटिंग की, यहाँ से 9 इंच कंधा बन रहा है मेरा बैक साइड से, तो मैं इसके लिए 10 इंच जो है चौड़ाई कट करूंगी, ताकि कम ना पड़े और आराम से खुली बाजू तैयार हो जाए। ठीक है, आपने भी अपना इसी तरीके से कंधा बैक साइड से नापना है। ठीक है, और उससे थोड़ा 1 इंच बढ़ा के आपने अपने बाजू की चौड़ाई रखनी है। अब हम बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो बाजू की लंबाई जो है मुझे 21 इंच तैयार चाहिए।
देखिए 22 इंच पे मैं इसको मैंने निशान लगा लिया है। अब 22 इंच पे मैं इसकी लंबाई कट कर रही हूँ। देखिए बाजू के लिए मैंने लंबाई 22 इंच ले ली। अब मुझे इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच चाहिए। ये देखें 10 इंच चौड़ाई बनाने के लिए यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप 3 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी जो है जोड़ डाल दूंगी, और ये जोड़ जो है मैं बैक साइड पे करूंगी, इसका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका प्रिंट भी ऐसा है, जोड़ की जो सिलाई है वो छुप जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं 3.5 इंच की पट्टी जो है दो, क्योंकि ये देखें 4 लेयर होती है ना बाजू की, तो ये सिर्फ 2 लेयर में कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे 2 पट्टियाँ डालनी। अच्छा, कुर्ते की बाजू में कोई यहाँ से कटिंग नहीं होती, ये बिल्कुल सीधा सीधा रहता है। ठीक है, तो ये बाजू भी कट हो गए। सिलाई का मार्जिन देखिए, बाजू को मैंने इस कपड़े के साथ सेंटर वाले जो मैंने पीस निकाले थे तीरे के जितने, उसके साथ 2 पिंस लगा दी हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे के लिए कलियाँ कट करनी हैं। कली की चौड़ाई कितनी रखनी है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएंगे कि अपनी कोई भी शर्ट लें, उसका ब्रेस्ट का साइज़ लगा लें। 19.5 इंच तैयार है, 19.5 का मैं अब डबल करूँगी। ये बन गया 10 से 2 पॉइंट कम। यहाँ पर हम रखेंगे इसको, तो 7 इंच तो ये वाला कपड़ा हो गया, तो इतना जो है मुझे तैयार चाहिए, और बाकी जो है थोड़ा सा सिलाई के लिए भी बचना चाहिए, तो वो मैं 10.5 इंच रख। और अब हम नीचे से उसकी देख लेते हैं कि हमें नीचे से उसकी कितनी चौड़ाई चाहिए। मुझे तैयार घेरा जो है टोटल 26 इंच चाहिए, उसका हम डबल कर लेंगे तो वो बनता है 13 इंच। यहाँ पर 7 इंच जो है वो सेंटर का पार्ट है, बाकी 13 और 14 एक इंच हम सिलाई का मार्जिन भी दें। तो हमें नीचे से कली की जो चौड़ाई है वो 7 इंच चाहिए और ऊपर से 3.5 इंच चाहिए। अगर नीचे से कली की चौड़ाई के लिए कपड़ा 1 इंच ज़्यादा भी बन गया तो हम ज़्यादा रख लेंगे, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 7 इंच कली की चौड़ाई नीचे से होनी ही होनी चाहिए और ऊपर से 3.5 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम कली कट करते हैं तो हमें जो तिरछी साइड होती है वो हमें इसके साथ ज्वाइंट करनी होती है। तो हमेशा जब आप कली कट करें तो वो 3 से 4 इंच बड़ी कट करें, ताकि जब हम उसको इसके साथ रखेंगे तो जब छोटा बड़ा हो गया कुछ तो वो आराम से हम कट कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा कली जो है थोड़ी बड़ी काटनी है आपने। कली की लंबाई जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे, जहाँ पे बाजू लगा है इससे आगे हमें कली की लंबाई चाहिए। देखते हैं कि टोटल हमें कली की लंबाई जो है 29 इंच चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें बड़ा करके काटना है, क्योंकि कली का टेढ़ा हिस्सा जो है हमें इसमें जोड़ना होता है तो कम पड़ जाती है, तो इसलिए हम 33 इंच जो है टोटल लंबाई लेंगे कली के लिए। ये हमारे पास टोटल जो है ना कपड़ा मैंने डबल कर लिया, ये चौड़ाई है हमारे पास। अब इसमें से हमने फाइनल करना है कि हमने कितनी कली बना लेनी है। जैसे अभी मैंने सोचा कि मैं कम से कम भी 7 इंच की कली तो चाहिए ही चाहिए। 7 इंच की कली पे निशान ये देखें ऐसे रखा 7 इंच। अब उसके बाद ऊपर का पार्ट कितना चाहिए था, ऊपर जो हमने ब्रेस्ट के साइज से लिया था वो 3.5 इंच बनता है, 10.5 इंच। ठीक है, तो 10.5 इंच अगर कपड़ा हमारे पास हो तो हम उसमें आराम से कली बना सकते हैं। लेकिन देखें ये कपड़ा आगे बच रहा है, इसका मैंने क्या कर लेना है, तो बेहतर है कि मैं इसको कली की चौड़ाई में इजाफा कर दूं ताकि कुर्ता खुला बने। तो मैं यहाँ से जो है ना और ज़्यादा कर रही हूँ, तो ताकि जो कली है वो नीचे से और खुली बने, तो मैं यहाँ से 13 इंच ले रही हूँ। ठीक है, ये डबल कपड़ा है, ये देखें ये डबल कपड़ा है, इससे अब हमने 4 कलियाँ बनानी है। 3.5 पे मैंने निशान लगा लिया, यहाँ से भी 3.5 पे निशान लगा, इसको मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे ऐसे मैंने तिरछा निशान लगा लिया। दामन से जो है ये तकरीबन 9 इंच की कली बन रही है नीचे से, तो वैसे 7 इंच की बननी चाहिए, 7 इंच से कम की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने 2 इंच खुली करके ली है क्योंकि मेरे पास कपड़ा था तो मैंने खुला बना लिया है। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, 4 कलियाँ जो है मैंने कट कर ली हैं। ऊपर से इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और नीचे से जो है 9 इंच है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप थोड़ी कम कर लें, 7 इंच की बना लें, लेकिन 7 इंच से कम की नहीं बनेगी घेरे की चौड़ाई के मुताबिक। कली की जो सीधी साइड होती है ये दूसरी तरफ रहती है, और जो तिरछी साइड होती है ये कुर्ते के साथ अटैच होती है। इसको अब हम ऐसे रखेंगे, अब देखें कि मैंने जब तिरछी साइड को उसके साथ रखा तो वो वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल गया। वो इसीलिए मैंने किया था, एक्स्ट्रा निकाला था, क्योंकि जब हम तिरछी साइड उधर लगाते हैं तो वहाँ से छोटा पड़ जाता है, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा था। अब उसको कट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कर लेंगे। यहाँ से भी आप ये देख लें कि ये इसके बराबर नहीं है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हुआ है। यहाँ से भी इसको थोड़ा कोना सीधा कर लेंगे, इतना सा मैंने इसको सीधा कर लिया। अब वहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। रुमालियाँ हम कैसे कट करेंगे ये आप देखें। ये हमने डबल कपड़ा ले लिया, डबल कपड़े को जो जुड़ी हुई साइड है इसको हमने ऐसे रखना है।
यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ से 3 इंच। बस अब हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। जो मर्दाना कपड़ों का होता है या लड़कों का जो कुर्ता होता है उसमें ये और ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। लड़कियों के कुर्ते में ये एक तरफ जो है ये लंबी होती है, देखें ये एक तरफ छोटी और एक तरफ लंबी है, लेकिन जो लड़कों का कुर्ता होता है उसमें ये दोनों तरफ जो है बराबर होती है, चकोर पीस लगता है उसमें। ठीक है, हमने बाजू को आगे से शेप देनी है। ये आप देखें मैंने उधर से इसको ज़्यादा शेप नहीं दी, बस थोड़ी सी शेप दी है। अब इसके यहाँ से हम कट कर लेंगे कुर्ते का। अब हम गला कट कर लेते हैं। ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट था जहाँ पे मैंने नॉच बनाई हुई थी, 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 2 इंच इसकी मैं डेप्थ ले रही हूँ। मैंने इसको गुलाई दे दी, अब यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। बैक साइड को मैंने इससे अलग कर दिया, अब फ्रंट साइड के गले को थोड़ा और गहरा कर लेंगे। 2 इंच मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। बैक साइड के लिए 2 इंच रखा था, फ्रंट साइड के लिए 4 इंच करना है तो 2 इंच मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अब इसका जो सेंटर है यहाँ पर मैं चौक से लाइन लगा रही हूँ, 1 इंच तक सेंटर से मैंने निशान लगाया है। मैं थोड़ी लंबी पट्टी बना रही हूँ, अगर आप चाहते हैं छोटी पट्टी बनाएं तो आप छोटी बना लें। अब आप ये गौर से देखें कि ये सेंटर में बिल्कुल मैंने निशान लगाया है, लेकिन कटिंग इसकी सेंटर से नहीं करनी है। मैं कटिंग करूँगी तो मैं सेंटर से थोड़ा पीछे हटके करूँगी, इतना गैप रखूँगी। यहाँ तक कट कर लिया, जहाँ पर ये सेंटर का निशान लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक कट लगाएंगे। कट मैंने लगा लिया, अब ये यहाँ से ये देखिए सेंटर से मैंने थोड़ा सा दूर रख के इसको कट किया। अब यहाँ से इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है यहाँ पर छोटी पट्टी लग जाएगी और इस वाले कपड़े के ऊपर बड़ी पट्टी लगेगी जो चौड़ी वाली होती है जिसके काज होते हैं, और यहाँ पर बटन पट्टी लगेगी। जहाँ पर बटन पट्टी लगती है उसको हम थोड़ा सा सेंटर से दूर रख के कट करते हैं। कुर्ते की मुकम्मल कटिंग हो गई है और ये बहुत ही आसान है। इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके हम स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग तो बिल्कुल ट्रेडिशनल कुर्ते की कटिंग थी, लेकिन जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे ताकि ये मॉडर्न लुक भी आए इसमें। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।